एनीआई द्वास न्यूज के सभी दर्शकों को नमस्कार। आज हम बिहार राज्य के मोतिहारी जिला के पकड़ी दयाल शहर में आए हुए हैं। यहाँ पकड़ी दयाल अनुमंडल मुख्यालय है यहाँ, और इस इलाके में भी कोरोना का प्रकोप काफ़ी देखा जा रहा है। बहुत सारे लोग ऐसे हैं देहात में भी जो कोरोना को लेकर उतना सजग नहीं है। प्रशासन की तरफ से पूरी सजगता बरती जा रही है। लॉकडाउन भी कल से आज से संपूर्ण लॉकडाउन की घोषणा की गई है। हमारे समक्ष हैं पकड़ी दयाल अनुमंडल के इस शहर के जाने माने आयुर्वेदिक डॉक्टर डॉक्टर के झा जी से हम बात करेंगे कि इस त्रासदी के समय में, इस महामारी के समय में लोगों को कैसे सुरक्षित रहना है और आयुर्वेद में क्या ऐसी दवाई है या क्या सप्लीमेंट्री है जिसको खाकर लोग कोरोना से सुरक्षित रह सकते हैं। तो हम इनसे परिचय जानते हुए अभी बात करेंगे कोरोना के विषय में। डॉक्टर साहब नमस्कार। आपका नमस्कार। संक्षिप्त परिचय देते हुए, मैं डॉक्टर कमलेश्वर कुमार झा आयुर्वेदाचार्य BMS करके अपना स्वतः का क्लिनिक चलाता हूँ 20 वर्षों से। 21वां वर्ष है मेरा यहाँ, और जनसेवा की भावना से लोगों को स्वस्थ एवं जागरूक करते रहते हैं। इस कोरोना महामारी में सबसे पहले हम लोगों ने लोगों को वैक्सीन लेने के लिए कहा कि आप लोग वैक्सीन लीजिए, मास्क लगाइए, 2 गज दूरी। अच्छा डॉक्टर साहब, वैक्सीन को लेकर भी लोगों में बहुत विभ्रांत फैला हुआ है, कई लोगों अफवाह के चक्कर में पड़ रहे हैं। ऐसे लोगों को वैक्सीन को लेकर आप क्या संदेश देना चाहते हैं? वैक्सीन लगाने के बाद में कोरोना लोगों को तो हो सकता है लेकिन उससे पुनः ठीक हो जाएंगे, लोगों को क्या संदेश देना चाहते हैं वैक्सीन? देखिए, वैक्सीन लगाना तो सबके लिए ज़रूरी है, क्योंकि बॉडी इम्यूनिटी का विकास होता है, और यह निश्चित है कि जो लोग को वैक्सीन लग गया है उनकी मृत्यु नहीं होगी। और कोरोना अगर के चपेट में आ भी जाते हैं तो सुरक्षित इलाज उनका कर संभव है, क्योंकि बॉडी इम्यूनिटी वैक्सीन में बॉडी इम्यूनिटी बढ़ाती है, रोगों से लड़ने की शक्ति, जो कोरोना वायरस है उससे लड़ने की शक्ति बढ़ती है। इसलिए वैक्सीन सब लोग लें, वैक्सीन सुरक्षित है, अपने को और देश को सुरक्षित रखना है तो वैक्सीन लगाएं। और हमारे आयुर्वेद में बहुत सारी पद्धतियां हैं जिसके माध्यम से हम लोग आरोग्य एवं निरोग्य रख सकते हैं। पहला आयुर्वेद का काम होता है कि जो स्वस्थ हैं उनको स्वस्थ रखा जाए, बीमारी ही उनके पास नहीं आवे, उनके अंदर इतनी बॉडी इम्यूनिटी हम लोग कर देते हैं कि ये कोरोना वायरस उनके पास नहीं आवे। अगर आ भी जाती है तो उसका निदान है, और आप ग्लोए जो हमारे यहाँ प्राचीन से आई रही है उसका काढ़ा सुबह सुबह बनाकर पीजिए, तुलसी। ग्लोए आजकल देखा जाता है कि हर जगह मिल जाता है, तो ऐसा क्या क्या घरेलू उपचार है जिससे स्वस्थ आदमी अपने शरीर के रोग रोधक क्षमता को अधिक से अधिक बढ़ा के रखे और इस बीमारी से दूर रहें? ऐसे कुछ उपाय हमारे दर्शकों को बताइए। तुलसी, अदरक, गोलमरीच, नींबू डाल के उसका काढ़ा बनाइए, और दिन भर में 3 से 4 बार सभी लोग लें, बॉडी इम्यूनिटी बनी रहेगी। और 2 गज दूरी, मास्क है ज़रूरी, हमेशा कहीं भी निकले हाथ को सैनिटाइज करते रहें, घर पर आवें साबुन से पूरे हाथ को धोएं, सुरक्षित रहें, अपने भी और दूसरे को भी रहें। और काढ़ा को जो बताए हैं आपको, पिपली, गोलमरीच आदि, तुलसी, नींबू का रस डाल के हल्का सेंधा नमक डाल के इसको दिन भर में 3 से 4 बार पीजिए। उसके बाद दूध में हल्दी डालिए, हल्दी को पूरा खौलने दीजिए, दूध हल्दी पीजिए, थोड़ा सा गुड़ उसमें मिला लीजिए। अगर किसी को होता है कि स्मेल नहीं आ रहा है, टेस्ट नहीं आ रहा है, तो ये भी पता करने के लिए अगर जांच तो करा ले तो बहुत ही अच्छा है, अगर आप नहीं करा पा रहे हैं जांच,
जो हम पॉजिटिव हैं कि निगेटिव है, कहीं से कोई शंका उत्पन्न कर दे रहा है, चूँकि अफवाह फैलाने वाला गैंग भी बहुत सक्रिय है, तो आप थोड़ा सा मीठा खाएं। अगर आपको मीठा मीठा लगे तो समझिए आप निगेटिव हैं, पॉजिटिव नहीं है। पॉजिटिव को स्वाद नहीं आता है, गंध नहीं आती है, तो अफवाह में नहीं पड़े, काढ़ा पीते रहें, वैक्सीन लें, मास्क लगाएं, दो गज की दूरी रखें, और हमारा जो आयुर्वेद का एक काढ़ा योग प्राणायाम भी करें। जो भी श्वास संबंधी योग है, जैसे कि अनुलोम विलोम, भस्त्रिका, कपाल भांति, ये सब को करते रहें। मॉर्निंग वॉक संभव हो तो करें बच के, नहीं तो घर में ही जो स्वच्छ स्थान हो वहाँ पर योग करें, जी बॉडी इम्यूनिटी श्वास आपका बना रहे, यही पद्धति करना है और स्वस्थ। डॉक्टर साहब, जैसे गिलोय के बारे में जो आप बताए, गिलोय औषधि के बारे में अभी बातचीत चल रहा है कि भारत सरकार, आप दर्शकों आप लोगों ने सुना होगा, राष्ट्रीय पक्षी, राष्ट्रीय पशु और राष्ट्रीय फूल वगैरह का नाम हम लोग जानते हैं, लेकिन भारत सरकार की एक तैयारी चल रही है कि राष्ट्रीय औषधि की भी चिन्हित किया जाए, तो राष्ट्रीय औषधि को लेकर गिलोय का नाम सबसे ऊपर आ रहा है। भारत सरकार राष्ट्रीय औषधि के रूप में गिलोय को जो है प्रस्तुत करने जा रही है। गिलोय का सेवन प्रतिदिन करना चाहिए कि उसको सप्ताह में दो दिन तीन दिन करना चाहिए, उसका सेवन कैसे किया जाए? आप आयुर्वेद के एक प्रकांड डॉक्टर हैं, इस इलाके के विख्यात डॉक्टर हैं आप, तो डॉक्टर साहब बताइए कि गिलोय का कैसे प्रयोग किया जाए? देखिए, सर्वसुलभ तो काढ़ा है, काढ़ा बनाइए कीजिए, उसका जब काढ़ा के बाद उसका पाउडर भी बनता है, अभी आता भी है गिलोय सत्व करके, सभी का ब्रांड है, जितनी भी हमारी आयुर्वेदिक कंपनियाँ हैं सभी बनाती हैं, और बहुत सी बीमारियों में रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने में इसका बहुत ही गुणकारी लाभ है। तो हम सभी से कहेंगे कि आप अगर जो उपलब्ध हो, उसका डंठल उपलब्ध हो तो उसको काट के काढ़ा बनाइए। अच्छा, जो गांव में जो डायरेक्ट जो गिलोय का जड़ है या लत्ती है, उसको डायरेक्ट लोग अगर खाते हैं तो सप्ताह में कितने दिन खाना चाहिए? अभी तो रेगुलर खाएं, अभी जो महामारी का प्रकोप चल रहा है इसमें प्रतिदिन सुबह के सुबह खाली पेट लें, और अभी जो महामारी के दौर में प्रतिदिन, इससे कोई नुकसान नहीं है, फायदा ही फायदा है। और अपने यहाँ शुरू से महर्षियों ने इस चीज़ को बताया है, बनाया है। हाँ, बाद में परिपाटी हो गई कि जब बीमार हो तो लो, तो अभी वह मौसम नहीं है, चूँकि ये बीमारी आपको मौका नहीं देता है संभलने का, इसलिए अभी एकदम रेगुलर रखिए इस चीज़ को, नियमित सेवन कीजिए, नियमित योगाभ्यास कीजिए, दूध हल्दी पीजिए, जो आपका रूटीन है उसको एकदम चार्ट के अनुसार बना लीजिए। संयमित जीवन जैसे पहले से हम लोग जीते आ रहे हैं, अपने यहाँ की जो परंपरा है ऋषि मुनियों की परंपरा, उसमें सुबह में उठिए, योगाभ्यास प्राणायाम कीजिए, उसके बाद काढ़ा पीजिए, फिर दूध हल्दी पीजिए, फिर खाना खाइए, खाली पेट में भी इसमें नहीं रहना, और अभी के मौसम में ठंडा पानी यानी शीतल जल एकदम नहीं लें, गर्म पानी पिए एक दो बार संभव हो तो, या ताज़ा पानी पिए। हाँ, ताज़ा पानी, अगर गर्म पानी पीते हैं तो बेस्ट है। जिसको भी खराश की समस्या आ जाए, थोड़ा भी गला में खराश आने लगे तो गर्म पानी ही पीना है। और फिटकरी एक है जिसको हम लोग लगाते भी हैं, फिटकरी का थोड़ा सा पानी 10 से 20 सेकंड को उसको पानी में घुमा के उससे गरगला भी कीजिए, अगर थोड़ी परेशानी हो एक आध घूंट पी भी सकते हैं, उससे भी बहुत राहत मिल रही है इसमें। तो ये सब चीज़ों को जो करते रहेगा, ईश्वर की इच्छा से वो बीमार नहीं पड़ेगा। और वैक्सीन तो लेना ही लेना है, जब जिसको जहाँ संभव हो वैक्सीन लें, दो गज की दूरी बनाए, मास्क पहने, और ये जो भी प्रक्रिया मैंने बताया है, योगाभ्यास प्राणायाम काढ़ा और आहार विहार भी संयमित होनी चाहिए। डॉक्टर साहब, आपसे लास्ट मेरा जो है प्रश्न रहेगा, संक्षिप्त में आप बताइए कि लोगों को इस वैश्विक कोरोना महामारी में फूड सप्लीमेंट्री में क्या यूज करें, और लोगों को क्या संदेश देना चाहते हैं सुरक्षित रहने के लिए? देखिए, शाकाहारी भोजन इसमें सर्वोत्तम है, क्योंकि यह बीमारी भी उत्पन्न हुई है तो मांसाहारी से ही उत्पन्न हुई है,
तो शाकाहारी सदा जीवन नित्य विचार, हम लोगों की जो पहले से भी ऋषि मुनियों की यह कहावत है कि अपना जो रूटीन है संयमित रखिए, शाकाहार पर ध्यान रखिए, गर्म खाना यानी ताज़ा खाना खाइए, बासी वगैरह नहीं खाना है, और स्वस्थ रहिए। आरोग्य का यह नियम है कि फल फ्रूट में क्या खाएं, संतरा का ज़्यादा सेवन कीजिए जिसमें विटामिन सी हो, नींबू हो, आंवला हो, आंवला हर हाल में फायदेमंद है, और संतरा खाइए ज़्यादा अधिक से अधिक। तो ये है जाने माने आयुर्वेद के डॉक्टर के झा, सुंदरपट्टी के रहने वाले हैं, पकड़ी दयाल इस चौक के पास में ही इनका एक क्लिनिक है। ये समाज सेवी डॉक्टर हैं, लोगों को कोरोना वायरस से लेकर कई बीमारियों का एडवाइस देते रहते हैं। आज हमने दर्शकों इनसे बातचीत किया और जाना कि वैश्विक कोरोना महामारी से कैसे बचा जाए। आशा करते हैं कि आप लोग ज़रूर इनके बातों पर ध्यान देंगे। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब। धन्यवाद आपका भी, इस प्रसारण को जनमानस तक पहुंचाइए जिससे लोगों को अधिक से अधिक आरोग्य रहे, लोग निरोग्य रहे। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्ति मा कश्चित् बाधः। ओम शांति, ओम शांति। रमन कुमार झा एनीआई द्वास न्यूज़ के लिए कैमरामैन कृष्णा झा के साथ पकड़ी दयाल मोतिहारी से।